दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अपने Realme 10 Pro Plus 5G स्मार्टफोन की कैमरा सेटिंग के बारे में। और दोस्तों आपको बताने वाले हैं कि इसकी जो कैमरा सेटिंग है आपको उसके अंदर कौन कौन से फीचर्स देखने को मिलती हैं और दोस्तों कौन कौन सी सेटिंग आपको देखने को मिलती है। दोस्तों मैं हूँ आपका दोस्त विजय और आपका स्वागत है हमारे निकुल ऑफिशियल चैनल में। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो दोस्तों चलते हैं वीडियो। दोस्तों जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं आज हमारे पास है Realme 10 Pro Plus 5G स्मार्टफोन और दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इसकी कैमरा सेटिंग के बारे में। तो सिंपली यहाँ पर आ जाते हैं अपना कैमरे में आने के बाद दोस्तों हम सिंपली क्या करते हैं, यहाँ पर जो आपको ऊपर की ओर थ्री डॉट दिखा रहे हैं यहाँ पर सिंपली क्लिक करेंगे। यहाँ पर क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको दो ऑप्शन दिखाएंगे, एक ऑटो HDR का और एक सेटिंग का। हम सिंपली सेटिंग पर क्लिक कर देंगे। अब दोस्तों यहाँ पर आपको जनरल सेटिंग दिख रही है, इसमें आपको कई सारे ऑप्शन दिख जाएंगे जैसे कि आपको फिलिप सेल्फी, एड लोकेशन, वाटर मार्क। तो सबसे पहले हम यहाँ पर बटर मार्क पर क्लिक कर देंगे। अब दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बटर मार्क का ऑप्शन बताऊँ तो सिंपली आप यहाँ पर देख सकते हैं एड बटर मार्क टू। तो यहाँ पर आपको क्या कर सकते हैं, यहाँ पर आप फोटोज में आप बटर मार्क लगा सकते हैं और दोस्तों वीडियोज में बटर मार्क लगा सकते हैं। यहाँ पर आप फोटोज एंड वीडियोज में आप दोनों में बटर मार्क लगाना चाहते हैं तो दोनों में लगा सकते हैं। अब सिंपली यहाँ पर देखिए मैं फोटोज पर कर देता हूँ या वीडियो पर कर देता हूँ तो यहाँ पर जो है फोटो और वीडियो दोनों में बटर मार्क आएगा यहाँ पर और दोस्तों बटर मार्क जो है आपका रियलमी का आएगा। तो सिंपल आप यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ पर आप कस्टम टेक्स्ट इसमें क्या कर सकते हैं, इसमें आपका आप अपने नाम का बटर मार्क बना सकते हैं। जब भी आप फोटो क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप जो है कुछ भी लिख सकते हैं तो वो आपकी फोटो पर लिखा आएगा। अब दोस्तों यहाँ पर डिवाइस मॉडल की बात करें तो यहाँ पर सिंपली जैसे ही आप ऑन करेंगे तो यहाँ पर आपका जो डिवाइस है रियलमी 10 प्रो प्लस 5G स्मार्टफोन 108 मेगापिक्सल कैमरा है इसका। तो यहाँ पर सिंपली वही चीज यहाँ पर लिखी आने लगेगी। तो यहाँ पर देख सकते हैं कुछ इस तरीके से यहाँ पर आपके सामने लिखी आएगी, आपकी फोटो पर लिखी आएगी। अब सिंपल इसे ऑफ कर देता हूँ, डेट एंड टाइम का ऑप्शन मिल जाता है। अगर आप आपकी फोटो क्लिक करेंगे इसे ऑन करेंगे तो आपके ऑप्शन जो फोटो है आपकी डेट एंड टाइम में शो होने लगेगी। और दोस्तों यहाँ पर आपके सामने एक ऑप्शन मिल जाता है फॉन्ट साइज का, जिससे आप क्या कर सकते हैं आपकी जो फॉन्ट है स्मॉल कर सकते हैं, मीडियम कर सकते हैं और दोस्तों लार्ज भी कर सकते हैं। तो सिंपल ये देख सकते हैं यहाँ पर मैंने स्मॉल पर क्लिक किया तो सिंपल यहाँ पर स्मॉल हो चुका है, मीडियम पर क्लिक किया तो सिंपल यहाँ पर मीडियम हो चुका है, यहाँ पर लार्ज पर क्लिक किया तो कुछ इस तरीके से यहाँ पर फॉन्ट आ चुकी है, लार्ज हो चुकी है। अब यहाँ पर सिंपल मैं आपको फोटो क्लिक करके बताता हूँ। तो सिंपल यहाँ पर देखिए मैंने फोटो क्लिक की, अब दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से लार्ज किया तो यहाँ पर लार्ज का ऑप्शन आ गया और दोस्तों यहाँ पर डेट एंड टाइम भी लिखी हुई आ चुकी है। तो यहाँ पर आप सिंपली फिर से सेटिंग में आते हैं, सेटिंग में आने के बाद दोस्तों यहाँ पर आता हूँ, इस ऑप्शन में आ जाता हूँ पोजिशन में। अब दोस्तों पोजिशन में क्या है, आप टॉप पर रखना चाहते हैं या बॉटम में रखना चाहते हैं, मतलब ऊपर रखना चाहते हैं या नीचे रखना चाहते हैं आपका बटर मार्क, तो सिंपली ये सेटिंग आपको यहाँ पर मिल जाती है। यहाँ पर स्ट्रीट मोड बटर मार्क आपको मिल जाता है, आप कहीं भी सड़क पर जो है रोड पर आप यहाँ पर जो है फोटोज लेते हैं तो कुछ इस तरीके से आपका बटर मार्क आएगा, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कुछ इस तरीके से आपका बटर मार्क आ जाएगा। यहाँ पर आप जो है ऊपर की ओर आपको एक ऑप्शन मिल जाता है कस्टम का, तो सिंपली आप यहाँ से एडिट करेंगे तो वही चीज़ आपकी सब फोटोज में आएगी, वही स्ट्रीट मोड में आपकी आएगी। यहाँ पर जो भी लिखेंगे वही में उसी चीज में आपकी जो है वही चीज़ आपकी फोटो में आएगी। अब सिंपली आप यहीं से ऑफ कर सकते हैं। अब सिंपली ग्रिड एंड गाइड का ऑप्शन मिल जाता है, ग्रिड में आपका क्या रहता है, ग्रिड लाइंस रहती हैं जैसे कि आपकी जो ग्रिड लाइंस है यहाँ पर कैमरे में शो हो जाती हैं, यहाँ पर आप डायगोनल लाइंस आ जाती हैं, गोल्डन लाइंस आ जाती हैं, जैसे कि यहाँ पर ये आपकी कुछ ग्रिड लाइन जो आपकी कुछ इस तरीके से यहाँ पर आएंगी। अब दोस्तों यहाँ पर मैं फिर से सेटिंग में आता हूँ, सेटिंग में आने के बाद दोस्तों सिंपली फिर से यहीं पर आता हूँ ग्रिड लाइन में, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं डायगोनल आपकी लाइन जो है कुछ इस तरीके से यहाँ पर शो होंगी। अब दोस्तों यहाँ पर फिर से आते हैं, यहाँ पर हम क्लिक करते हैं फिर से ग्रिड लाइन में एंड गाइड पर, तो यहाँ पर सिंपली फिर से आपकी जो गोल्डन लाइन है कुछ इस तरीके से यहाँ पर शो होने लगेगी। अब दोस्तों यहाँ पर आपको सिंपली करेंगे जब भी फोटो क्लिक करते हैं तो बीच में आपको यहाँ पर फोकस रखना है, तो कुछ इस तरीके से आप फोटो लेंगे, सारे के सारे जो है आपकी लाइन्स रहती हैं सब में एक ही तरह के फोटो आएंगे, कोई भी अलग अलग फोटोज नहीं आएंगे। अब सिंपल यहाँ पर मैं ऑफ करता हूँ, दोस्तों यहाँ पर लेवल का ऑप्शन मिल जाता है, लेवल में आपका जो कैमरा है आप स्टेबल रख सकते हैं, मतलब आपका जो कैमरा है आप सिंपली लेवल मिला सकते हैं और दोस्तों लेवल लेकर आप यहाँ पर फोटो क्लिक कर सकते हैं कि हमारा जो कैमरा यहाँ पर लेवल में है, मतलब स्ट्रेट है सही साइड पोजिशन में। अब दोस्तों शटर साउंड में आपका साउंड का रहता है, फिलिप सेल्फी में आपका क्या रहता है, आप जैसे इसे ऑफ करेंगे तो यहाँ पर क्या रहता है आपकी जो सेल्फी, आप जैसे कि सेल्फी लेते हैं यहाँ पर देखिए वीडियो क्रिएटर जो हमारे यहाँ पर एक सेल्फी ले रहे हैं, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर जैसे कि सेल्फी ले, अब दोस्तों ये जो सेल्फी है
है अपोजिट साइड में चली जाएगी। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर जो हमारी सेल्फी है यहाँ पर अपोजिट साइड में जा चुकी है। अब दोस्तों यहाँ पर अगर इस ऑप्शन को जो है ऑन कर देते हैं तो ये सेल्फी जो है जिस डायरेक्शन में ली गई है उसी डायरेक्शन में आपको स्क्रीन पर दिखाई देगी। जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर कुछ इस डायरेक्शन में सेल्फी ली है तो इसी डायरेक्शन में आपको सेल्फी दिखाई देगी। तो ये आपकी हो गई फ्लिप सेल्फी। अब दोस्तों यहाँ पर आपको दिख जाता है एड लोकेशन टेक्स्ट का, तो यहाँ पर आपकी जो फोटोज है उस पर आपको जो क्या रहेगा, आपकी जो लोकेशन है आपकी फोटोज पर शो होने लगेगी, आ जाएगी। अब दोस्तों यहाँ पर आपका जो मिल जाता है फोटो वाला सेक्शन, फोटो में सबसे पहले मिलता है शूटिंग मेथड्स, इसमें क्या रहता है टैप टू कैप्चर, मतलब आप स्क्रीन पर कहीं भी टच करेंगे तो आपका जो फोटो यहाँ पर कैप्चर हो जाएगा। अब दोस्तों शो पाम का ऑप्शन मिल जाता है, शो पाम के ऑप्शन में क्या रहता है, आप जैसे यहाँ पर जो है आपकी पाम दिखाएंगे, आपकी हथेली दिखाएंगे तो उसमें क्या रहेगा आपका जो फोटो है 2 से 3 सेकंड के अंदर क्लिक हो जाएगा। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कुछ इस तरीके से आप पाम दिखाएंगे तो आपका जो फोटो है यहाँ पर क्लिक हो जाएगा 2 से 3 सेकंड के अंदर। अब हम बैक आते हैं, सिंपल यहाँ पर आपको मिल जाता है पोर्ट्रेट डिस्टोर्शन करेक्शन, तो इसमें क्या रहता है आपका यहाँ पर आपकी जो पोर्ट्रेट मोड रहता है, वाइड एंगल मोड रहता है, अगर उसमें कुछ प्रॉब्लम आती है तो अगर आप इस ऑप्शन को ऑन करेंगे तो आपकी जो फोटोज हैं सही साइड आएंगी, उसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं आएगी। उसमें कुछ भी प्रॉब्लम आ जाती है तो एज डिस्टोर्शन उसमें हो जाता है और उसकी जो प्रॉब्लम है दूर हो जाती है। जैसे कि आपकी जो वाइड एंगल में होती है या फिर HDR में होती है कोई भी प्रॉब्लम होती है तो एज डिस्टोर्शन जो है उसमें रिमूव कर देता है। तो सिंपल अब हम सिंपली बैक आते हैं, बैक आने के बाद दोस्तों यहाँ पर सिंपली क्या करेंगे, यहाँ पर हम बैक आ जाते हैं, इस फोटो को डिलीट कर देते हैं। कुछ इस तरीके से आपको जो यहाँ पर ऑप्शन आ जाएंगे, फोटोज आ जाएंगे। अब यहाँ पर सिंपली फिर से सेटिंग में आते हैं, सेटिंग में इस ऑप्शन को ऑफ कर देते हैं। आउटो नाइट स्केप में क्या रहता है, आप इसको ऑन करेंगे तो आपकी अगर लो लाइट है नाइट में भी तो इसमें आपकी फोटो क्वालिटी सही हो जाएगी। हाई एफिशिएंसी इमेज में आप क्या कर सकते हैं, आपकी जो फोटोज है कम MB में आएंगी और दोस्तों कहीं भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर शेयर नहीं होंगी। फोकस लॉक में फोकस लॉक कर सकते हैं, हाई एफिशिएंसी वीडियो में आप वही चीज है कि आपकी जो वीडियोज हैं आपकी जो सोशल मीडिया पर प्लेटफॉर्म पर जो है शेयर नहीं होंगी। क्विक लॉन्च में क्या रहता है, आपका क्विक लॉन्च होगा, उसमें अगर डबल टैप करेंगे वॉल्यूम बटन को तो उसमें आपका कैमरा ओपन हो जाएगा और बाद में आपको नीचे की ओर रिस्टोर कैमरा का ऑप्शन मिल जाता है। वीडियो अगर पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। दोस्तों मिलते हैं ऐसे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय जी।